मईशत बेहतर होगी। ये वो मुल्क है, अल्लाह का शुक्र अदा करें, ये वो मुल्क है जो चार मौसम रखता है। अल्लाह ने वो माँ दी, अल्लाह ने वो माँ की गोद में आपको डाला पाकिस्तान में, जो चार मौसम रखता है, 80% जरई है, ऐसा मुल्क दिया। यहाँ पे कितने ज्यादा हमारे बलोचिस्तान में और दूसरे इलाकों में मादनियात हैं, मादनियात का इतना जखीरा है, तो क्या वजह कि आज हम मईशी तौर पे परेशान हैं? वजह सिर्फ एक है कि पाकिस्तान को हमने इस्तेहकाम दिलाना है, हमारे लोगों ने इस्तेहकाम दिलाना है, हमारी तमाम पार्टीज के लोगों ने इस्तेहकाम दिलाना है, तमाम पार्टीज के रहनुमाओं आज अगर मिल के बैठ जाएंगे, मैं ईमानदारी से ये बात कहता हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए ये बात कहता हूँ कि 293 ममालिक हैं पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में 293 ममालिक हैं, लेकिन आठवां मुल्क हमारा है अल्हम्दुलिल्लाह जो एटॉमिक पावर रखता है। बहुत बड़े एजाज की बात है, इसमें कितने ही लोगों की कुर्बानी है, चाहे वो हमारे सियासी रहनुमा हैं, चाहे वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हैं, मोहसिन पाकिस्तान हैं, चाहे वो पाक फौज है, इन सारों मिलके सियासतदानों ने, पाक फौज ने, डॉक्टर कदीर खान ने, यानी कि कौन साइंसदानों ने और इंटेलेक्चुअल्स ने मिलके अगर एटम बम बना सकते हैं, तो हम पाकिस्तान की मईशत को भी बेहतर कर सकते हैं। ये वो मुल्क है, ये वो PIA का वो इदारा है आज कि जो एमिरेट्स को सिखाने जाता था, हाँ आज एमिरेट्स कहाँ और PIA कहाँ? आज वो दौर वापस लाना है, इत्तफाक का, इत्तहाद का वो दौर वापस लाना है, ताकि हम मिलकर काम करें, मिलकर तरक्की करें। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि कल की हमारी जुमे के दिन, जुमे वाले दिन इंशाल्लाह जुमातुल मुबारक इसलिए चुना है कि बड़ा दिन है, और 3:30 बजे इंशाल्लाह हम लियाकत बाग चौक से सेंटोरस तक इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान इस्तेहकाम रैली निकालने का ऐलान कर रहे हैं। और एक ही नारा होगा उस रैली का एक ही नारा होगा, वो नारा है पाकिस्तान जिंदाबाद। और मैं ये कहता हूं इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे उस रैली में जोंक दर जोंक लोग क्यों पहुंचेंगे, तमाम मकातिब फिक्र के लोग पहुंचेंगे, वो कोई भी पार्टी का बंदा हो, वो इस्तेहकाम पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद रैली में पहुंचेगा। इसलिए पहुंचेगा कि उसको पाकिस्तान से प्यार है, इसलिए पहुंचेगा उसको अपनी मां से प्यार है। ये पाकिस्तान हमारी मां है, जो मां से प्यार नहीं करेगा वो किसी से प्यार नहीं करेगा। तो मैं आज सबको कहता हूं ये हमारी मां है, इसने हमें सब कुछ दिया है, आज जीने का रास्ता दिया, इसने आजादी का रास्ता दिया। देख लो आज कश्मीर में मेरी बहनों के साथ, मेरे बुजुर्गों के साथ क्या हो रहा है, देख लो रोंगिया में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ। आज अल्लाह ने ये हवा चला दी, बताया कि आजाद रियासत है, ये आजाद रियासत है और चलेगी तो ला इलाहा इल्लल्लाह पे चलेगी, एक ही रास्ता है, मेरे आका का निजाम आएगा इंशाअल्लाह ताला, इसकी मईशत भी बेहतर होगी, हम सिराते मुस्तकीम पे भी चलेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम बेहतर काम करेंगे। तो मैं समझता हूँ और मैं आपके सामने पूरे की पूरी कौम से ये बात कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जो पाकिस्तान अपनी माँ से प्यार करेगा, इंशाअल्लाह ताला 3:30 बजे गाड़ियों पे, मोटरसाइकिलों पे, साइकिलों पे, रक्षों पे, चिंकियों पे, बसों पे, सुजुकियों पे वो लियाकत बाग पहुंचेगा और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाते हुए, नारा तकबीर अल्लाहु अकबर का नारा लगाते हुए, ताज व तख्त व खत्म नबूवत का नारा लगाते हुए सेंटोरस तक जाएगा। और वहाँ पे इंशाल्लाह तकारीर होंगी हमारे मेहमान खुसूसी की और इंशाल्लाह ताला वहाँ बताएंगे और दुआ फरमाएंगे कि अल्लाह ताला तमाम मकातबे फिक्र के लोगों को और सियासतदानों को हम सबको तौफीक दे कि हम पाकिस्तान की मदद कर सकें, पाकिस्तान की खिदमत कर सकें और पाकिस्तान के काम आ सकें। ये अंजुमन शहरयान ने जो आज ये स्टेप उठाया है, मैं समझता हूँ ये पूरे पाकिस्तान तक आवाज़ जाएगी, पूरे पाकिस्तान के शहरी बाहर निकलेंगे और ये बताएंगे, तमाम लोगों को मैसेज करेंगे, मैसेज देंगे
कि अब सिर्फ बात होगी पाकिस्तान की, सिर्फ बात होगी पाकिस्तान जिंदाबाद की। बहुत बहुत शुक्रिया।